Hello friends, welcome to Let's Learn Mathematics. I am Dinesh with the first question of the polynomial. This is question number 1, exercise 2. Question 1 is, divide the polynomial p of x by the polynomial g of x and the verified and find the quotient and remainder in each of the following. So, humare paas problem number 1 hai, divide x cube minus 3x square plus of 5x minus 3 by x square minus 1 and verify division algorithm, right? So let p of x is equal to x cube minus 3x square plus of 5x minus of 3 and g of x is equal to x square minus 2, right? तो हमको division algorithm से इन दोनों ही polynomials को divide करनी है. तो यहाँ पर हमें p of x को q of x से divide करना है. तो dividend है हमारा x cube minus 3x square plus 5x minus 3 and divisor है हमारा g of x is equal to x square minus 2, right? अब हम इसको divide करते हैं x cube minus 3x square प्लस 5x माइनस ऑफ 3 जो कि डिविडेंट है, इसको हमें डिवाइड करना है डिवाइजर से जो कि है x स्क्वायर माइनस ऑफ 2, राइट. अब इनको डिवाइड करने के लिए हमको पता है हमको x क्यूब बनाना है. हम डिवीजर में क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि मुझे फर्स्ट टर्म एज इट इज मिले, प्लस का x क्यूब ही चाहिए. तो ऑब्वियसली x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. x का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर से हुआ तो x स्क्वायर इंटू x x क्यूब. x का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 से हुआ तो माइनस ऑफ 2x, राइट. इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमने साइन चेंज किए, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाया, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया. इनको सॉल्व किया तो कैंसिल, माइनस का 3x स्क्वायर, ये दोनों आपस में ऐड हो गए, प्लस का 7x माइनस ऑफ 3. अब हमको अगेन डिविजर में मल्टीप्लिकेशन चाहिए जिससे फर्स्ट टर्म मुझे माइनस का 3x स्क्वायर मिले. तो क्या मल्टीप्लिकेशन होगा? माइनस का 3 का, माइनस का 3 का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर के साथ होकर ये मिलेगा हमें 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, दैट इज माइनस माइनस, प्लस 3 टू ज़ा 6. साइन चेंज किए, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव. अब इनको हमने कैंसिल किया, फाइनली हमारे पास आ गया 7x माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, 6 प्लस 3 9, राइट. अब हम यहाँ पर रुक जाएंगे क्योंकि ये जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री 1 है जो कि लेस देन है कोशियंट से, राइट. यहाँ पर 7x माइनस 1 की डिग्री 1 है और 1 इज लेस देन 2. जो 1 है वो डिग्री है 7x माइनस 9 की डिग्री ऑफ 7x माइनस 9 इज 1 विच इज़ लेस देन 2 विच इज डिग्री ऑफ x स्क्वायर माइनस 2. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे. तो 7x माइनस 9 हमारे लिए रिमाइंडर हो गया, कोशियंट हमारा हुआ x माइनस 3, डिवाइजर हुआ हमारे लिए x स्क्वायर माइनस 2 और डिविडेंट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ऑफ 3. क्लियर, तो हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू डिवीजर x स्क्वायर माइनस 2 इनटू कोशियंट x माइनस 3 प्लस ऑफ रिमाइंडर 7x माइनस ऑफ 9. हियर p of x is equal to है हमारे पास x cube minus 3x square plus 5x minus 3 is equal to q of x है हमारे पास x square minus q of x, q of x है हमारे पास, sorry ये जो functions था हमको g of x था, तो g of x है x square minus 2 into x minus 3 को हमने मान लिया quotient है तो इसको हमने लिख दिया q of x और plus of remainder तो r of x. तो ये division algorithm यहाँ verify होती है. तो यहाँ पर quotient
कोशेंट क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू हुआ एक्स माइनस थ्री एंड रिमाइंडर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू हुआ सेवन एक्स माइनस ऑफ नाइन। ओके अब हम इसी क्वेश्चन नंबर वन की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे स्विच करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन की प्रॉब्लम नंबर टू को समझते हैं। हमको पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से, तो पी ऑफ एक्स हमको गिवन है एक्स की पावर फोर माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस ऑफ फाइव इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वेयर, हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले एक्स को लिख लिया माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वन, राइट। अब हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, सॉरी एक्स की पावर फोर चाहिए, जबकि हमको डिविजर में एक्स स्क्वायर गिवन है फर्स्ट टर्म में। तो हम क्या मल्टीप्लिकेशन करें एक्स स्क्वायर में कि एक्स की पावर फोर बन जाए। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक्स की पावर फोर बनेगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स तो माइनस एक्स की पावर थ्री, एक्स स्क्वायर इंटू प्लस वन तो एक्स स्क्वायर। साइन चेंज किया, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाया, ये दोनों टर्म एक से कैंसिल। अब हमारे पास फाइनल टर्म्स बचे हैं एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये मिलकर हो जाएंगे माइनस का फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ऑफ फाइव। अब हमको चाहिए एक्स क्यू, तो एक्स क्यू बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर के अंदर प्लस एक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पे ये मिला मुझे एक्स क्यू, एक्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन के साथ हुआ, माइनस एक्स के साथ हुआ, तो ये मिला मुझे माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मल्टीप्लिकेशन वन के साथ होकर मिला हमें एक्स। साइन चेंज किए, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल। ये दोनों टर्म आपस में ऐड होंगे तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, फोर एक्स माइनस एक्स प्लस ऑफ थ्री एक्स प्लस फाइव। अब हमको बनाना है माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, जबकि हमको यहाँ गिवन है एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर माइनस का थ्री का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो माइनस का थ्री का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो बना माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री का माइनस के एक्स के साथ तो प्लस का थ्री एक्स, माइनस थ्री इंटू वन तो माइनस थ्री वन ज़ा थ्री। साइन चेंज किए, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, ये दोनों टर्म भी कैंसिल। इन दोनों को आपस में ऐड किया तो फाइव प्लस थ्री, फाइव प्लस थ्री एट, तो हम आपस फाइनली रिमाइंडर आ गया एट। तो इस क्वेश्चन में हमको बताना था कोशियंट एंड रिमाइंडर। तो कोशियंट कोशियंट इज इक्वल टू थ्री, सॉरी कोशियंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ थ्री एंड रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू एट, राइट। कोशियंट को हम क्यू ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिमाइंडर को हम आर ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। अब इसी की हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम नंबर थर्ड। हमको पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से, तो पी ऑफ एक्स बिल्कुल इसी तरह हम करेंगे जिसे हमने क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व किया। तो एक्स की पावर फोर माइनस ऑफ फाइव एक्स प्लस सिक्स को हमको डिवाइड करना है, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ टू, राइट। हमको बनाना है एक्स की पावर फोर, जबकि डिविडेंट हम डिविजन हमको गिवेन है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर प्लस का चाहिए ना, तो माइनस का एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमको मिला एक्स की पावर फोर, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन टू के साथ हुआ तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर, क्लियर। साइन चेंज किए, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल। बचा हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फाइव एक्स प्लस ऑफ सिक्स। अब हमको चाहिए टू एक्स स्क्वायर, जबकि हमको हमारे पास डिविज़र है माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम माइनस टू का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो माइनस टू का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस टू, टू टू ज़ा माइनस ऑफ फोर। साइन चेंज किया, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया,
ये दोनों टर्म्स कैंसिल, हमारे पास बचा माइनस का 5x और ये दोनों ऐड हो जाएगा 6 + 4 = 10, राइट। अब यहाँ पर रिमाइंडर की जो डिग्री है 1 है और यहाँ पर डिविजर की जो डिग्री है 2 है, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यही होता है कि इसकी डिग्री या तो डिविजर की डिग्री से कम हो जाए या फिर फाइनली कॉन्स्टेंट बच जाए। तो इस केस में हमारे पास कोशियंट क्यू ऑफ एक्स आया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर आर ऑफ एक्स हमारे पास आया माइनस 5x प्लस ऑफ 10। ओके, अनदर क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। क्लियर। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये 3 प्रॉब्लम्स गिवन है जिसमें हमको फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकेंड पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है और ये चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, राइट। अगर ये फैक्टर है या नहीं ये पता करने के लिए बिल्कुल इजी है। अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर देती है, दैट मीन्स अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर हमारा 0 आता है तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्लियर है। तो इसी अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इसमें सेकेंड पॉलिनोमियल है 2t⁴ प्लस ऑफ 3t³ माइनस ऑफ 2t² माइनस ऑफ 9t माइनस ऑफ 12। इस पॉलिनोमियल को हमको फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारे पास t² माइनस ऑफ 3। अगर ये डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, राइट। तो हमको तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो हमको यहाँ पर 2t⁴ चाहिए, राइट। जबकि जो डिविजर हमको गिवन है t² माइनस 3t गिवन है, तो t² में हम क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि हमको t⁴ बन जाए। तो ऑब्वियसली पहले तो t² का ही मल्टीप्लिकेशन t² में होगा तो t⁴ मिलेगी, बट साथ साथ हमको 2 भी चाहिए तो 2 t² का मल्टीप्लिकेशन t² में करेंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा हमारे पास 2t⁴। और 2t² का मल्टीप्लिकेशन जब इस कांस्टेंट के साथ होगा तो 3 × 2 = 6, 6 माइनस का 3 × 2 = 6 t² अरेंज करने के लिए मैं स्क्वायर को स्क्वायर के नीचे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इनके साइन चेंज किए, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया और इनको कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बचा 3t³ और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस ऑफ 6t² माइनस 2t² दैट इज 4t² माइनस ऑफ 90 माइनस 12। अब हमको चाहिए 3t³ और हमारे पास है t² तो किससे का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो हम यहाँ पर अगर 3t का मल्टीप्लाई कर दें इस डिविज़न में तो हमको मिलेगा 3t³ माइनस 3 × 3 = 9 t, राइट। साइन चेंज किया, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, साथ साथ ये टर्म्स भी यहाँ कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा प्लस का 4t² माइनस ऑफ 12। अब हमको 4t² देखिए इस रिमाइंडर की पावर डिग्री अभी डिविजर के इक्वल है तो अभी भी हमको डिवाइड करना होगा। अब हमको चाहिए 4t² हमके जबकि पास हमारे पास है t² तो हम मल्टीप्लिकेशन कर दें प्लस का 4 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 4t² 4 × 3 = −12। साइन चेंज किए, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो ये कम्प्लीटली कैंसिल हो गया और रिमाइंडर हमारे पास बचा 0। दैट मीन्स कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, राइट। तो हम फाइनली कंक्लूजन दे सकते हैं, हैंस t² माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ 2t⁴ प्लस ऑफ 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस ऑफ
12, राइट। अब सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर टू की प्रॉब्लम नंबर टू देखें तो यहाँ पर भी हमको सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो सेकंड पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस ऑफ 5x³ माइनस ऑफ 7x² प्लस ऑफ 2x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है x² प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1 से, राइट। हमको चाहिए 3x की पावर 4, जबकि हमको डिविजर गिवन है x², तो हमको 3 भी चाहिए, तो 3x² का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x² इंटू x² हो जाएगा 3x की पावर 4। 3x² का मल्टीप्लिकेशन 3x के साथ भी होगा, तो 3 3 ज़ा 9x की पावर 3, राइट। 3x² का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के साथ भी होगा, तो प्लस 3x की पावर 2। साइन चेंज किए, पॉजिटिव को नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, क्लियर। ये दोनों टर्म्स से इन दोनों आपस में कैंसिल, 90 क्यूब में से 5x³ गया, तो यहाँ बचेगा -4x³, क्योंकि बड़ा नंबर 9 है, राइट। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 7 प्लस 3 माइनस ऑफ 10x² प्लस ऑफ 2x प्लस 2, राइट। अब हमको चाहिए माइनस का 4x³, तो डिविजर में हम क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि माइनस का 4x³ मिले, तो पहले तो सिंबल माइनस होना चाहिए, साथ साथ 4 भी चाहिए, हमारे पास x की पावर 2 ऑलरेडी गिवन है, तो एक x का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x³। माइनस के 4x³ का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ भी होगा, तो माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 12 x की पावर 2। 4x का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हुआ, तो माइनस का 4x, राइट। साइन चेंज किए, प्लस प्लस प्लस, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए, तो हमारे पास बचा 2x², राइट। इन दोनों को आपस में ऐड किया, तो प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ 2, क्लियर। अब हमको चाहिए 2x², तो हम डिविजर में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3 2 ज़ा 6x प्लस 2 1 ज़ा 2। इनके साइन चेंज किए, तो सब्ट्रैक्ट किया, तो सारे ही टर्म्स कैंसिल हो गए, तो रिमाइंडर बचा 0। अगेन हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल की फैक्टर है, क्लियर है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 भी सेम इसी तरीके से ही आपको सॉल्व करना है, राइट। अगर आपको फिर भी इस प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम्स हो या डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिनेश विथ द अनदर क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन इज ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x² प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरो आर अंडर रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3, राइट। तो इस पॉलिनोमियल्स के हमको ऑल जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, जबकि हमको 2 जीरोज़ गिवेन है। तो ऑल जीरोज़ में अगर हम पॉलिनोमियल्स को देखें, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री 4 है, दैट मींस कि इस पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज़ होंगे वो मैक्सिमम 4 होंगे, और जबकि हमको 2 जीरोज़ गिवेन है। तो जीरोज़ मतलब x की वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशंस का जो रिजल्ट है वो 0 हो जाए, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये 2 जीरो जो हमको गिवन है, ये वही 2 x की जो वैल्यू की ही वैल्यूज हैं जिनको पुट करने पर जो गिवन पॉलिनोमियल है वो सेटिस्फाई होगी। तो ये x की ही वैल्यूज हैं, तो x इज इक्वल टू हमको गिवन है अंडर रूट ऑफ 5/3, राइट। और तो x माइनस फाइव एक्स अंडर रूट ऑफ 5/3 इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, इसी का एक फैक्टर होगा। सेकेंड जीरोज भी हमको गिवन है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 5/3, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ 5/3 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही फैक्टर होंगे गिवन पॉलिनोमियल्स के, तो इन दोनों फैक्टर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर x माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 5/3 इंटू x
प्लस अंडर रूट ऑफ 5/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, आइडेंटिटी अप्लाई होगी एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ वी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, बचा फाइनली 5/3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो 5/3 डिविजर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, सिंस ये दो जीरोज हमको गिवन थे, ये इस पॉलिनोमियल्स के जीरो थे, हमने उन दोनों जीरोज को आपस में मल्टीप्लाई कर एक डिविजर जनरेट किया जो कि अगेन फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल का। तो ये इस डिविजर से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके रिमेनिंग जीरोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं, एक्स 3x की पावर 4 प्लस ऑफ 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस ऑफ 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5/3 के, क्लियर। अब हमको चाहिए 3x की पावर 4, डिविजर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में हम 3x² का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा 3x की पावर 4। 3x² का मल्टीप्लिकेशन माइनस 5/3 से किया तो 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का 5x² साइन चेंज किए, इन दोनों को आपस में ऐड किया, ये दोनों कैंसिल, यहाँ हमारे पास आ गया 6x³। यहाँ पर ये दोनों सबट्रैक्ट हुए तो प्लस ऑफ 3x² माइनस 10x माइनस ऑफ 5, राइट। अब हमको चाहिए 6x³, तो हम किसका मल्टीप्लिकेशन करें, 6x का, तो 6x का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये मिला मुझे 6x³। 6x का मल्टीप्लिकेशन माइनस 5/3 से, तो 3 से 6 टू टाइम्स कैंसिल हुआ, तो 3 टू ज़ा 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ भी होगा, 5 टू ज़ा 10x माइनस का 10x, राइट। साइन चेंज किए, इन दोनों का आपस में ऐड किया तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल, यहाँ से हमारे पास बचा 3x², क्लियर, 10x से 10x भी कैंसिल, बचा हमारे पास 5। अब 3x² तो मल्टीप्लिकेशन अब होगा 3 का, 3 का मल्टीप्लिकेशन होने पे मिला 3x², 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ माइनस का 5, साइन चेंज किए, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो ये दोनों टर्म्स भी आपस में कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर हमारे पास बचा 0। सिंस डिविडेंट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है क्यू ऑफ एक्स डिविजर इन टू क्यू ऑफ एक्स कोशियंट, इसको हम जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स इन टू क्यू ऑफ एक्स प्लस ऑफ आर ऑफ एक्स रिमाइंडर के, तो यहाँ हमारे पास डिविडेंट है 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू, डिविजर है हमारे पास x² माइनस 5/3 इंटू कोशियंट है हमारे पास 3x² प्लस ऑफ 6x प्लस 3 के, राइट। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ गया हमारे पास 3, तो ये मिला हमारे पास 3x² माइनस ऑफ 5 इंटू, यहाँ से कम्प्लीटली हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लिए तो ये हो गया हमारे पास x² 3 टू ज़ा 6, 3 वन ज़ा 3, 3 से 3 कैंसिल, 3x² माइनस ऑफ 5 इंटू x² प्लस 2x प्लस ऑफ 1। ये तो फैक्टर हमको दो ऑलरेडी गिवन थे, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे
तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3 आ जाएगा, बाकी के तो फैक्टर हमारे यहाँ से मिलने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये फैक्टर है, तो इसको भी हम इक्वेट कर सकते हैं ज़ीरो से। दैट मीन्स वो ये फार्मूला बन गया हमारे पास, सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला रिवाइज कीजिए, ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो यहाँ ए के प्लेस पे है एक्स और बी के प्लेस पे है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर सकते थे, इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है? तो यहाँ एक्स के रिमेनिंग दो जो फैक्टर्स हैं वो आ गए एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो दो फैक्टर, दो ज़ीरोज हमको गिविन थे, अंडर रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3, और दो रिमेनिंग जीरोज हमने फाइंड आउट कर लिए, वो होंगे एक्स इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1, जो कि दोनों ही सेम है, बट नंबर ऑफ जीरोज हमको कितने मिले, क्योंकि पावर 4 इसके हाईएस्ट डिग्री थी, तो 4 ही हमारे पास इसके जीरोज होने थे, दो ऑलरेडी गिवन थे और ये दो हम लोगों ने हमने निकाल लिया है, राइट?